जनपद में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और स्नातक निर्वाचन के निर्वाचन नामावली के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के सभागार में समस्त राजनीतिक दल, नगर निगम के पार्षद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष तथा आगामी निर्वाचन के भावी प्रत्याशियों के साथ बैठक की गई, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम, नगर पंचायत, स्नातक निर्वाचन और भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन नामावली के संबंध में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य परिसीमन के उपरांत तैयार की गई है। नगर निगम और नगर पंचायत मतदाता सूची के आधार पर बीएलओ द्वारा घर घर सत्यापन करके परिवर्धन एवं संशोधन एवं विलोपन की कार्रवाई की जा रही है, जो 20 अक्टूबर तक चलेगी। स्नातक निर्वाचन मतदाता सूची में 7 नवंबर तक परिवर्धन एवं संशोधन एवं विलोपन की कार्रवाई किया जाएगा और भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का कार्य 7 नवंबर से प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि सभी से अनुरोध किया गया है कि नामावली के संशोधन में परिवर्धन एवं विलोपन में गंभीरता से सभी लोग मदद करें तथा सभी जगह पर वोटर बढ़ने हैं, इसके लिए फार्म भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवसर पर तहसीलदार सदर विकास सिंह, तहसीलदार चौरी चौरा नीलम तिवारी, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी एवं राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जिन लोगों को, जो प्रत्याशी है जिनको चुनाव लड़ना है, वे लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं। ठीक, हमारे इस जनपद में कुल 65 केंद्र हैं स्नातक निर्वाचन के लिए, प्रत्येक ब्लॉक में है और शहरी क्षेत्र में अन्य ढेर सारे स्कूलों में है। कौन कौन से में है वो सूचना हम कैसे इन लोगों को उपलब्ध कराना पड़ेगा, एक बार फॉर्म लेने के लिए जाना पड़ेगा और दोबारा फॉर्म भर करके देने जाना पड़ेगा। महत्वपूर्ण इसमें केवल ये है कि आपका जो मार्कशीट है या डिग्री है वो गजेटेड ऑफिसर के द्वारा उस पर मतलब प्रमाणित होना चाहिए। यदि आपको गजेटेड ऑफिसर नहीं मिल रहे हैं तो किसी भी तहसील में जा सकते हैं, किसी भी ब्लॉक में जा सकते हैं, अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के और सामने सामने उनसे उसमें ना थोड़ा सा, इसलिए कि ये स्नातक लोगों का चुनाव है और नॉर्मली पूरे 17 जनपद में है। मेरा अनुरोध है अभी इस महीने के अंत तक वो भरा जाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा ही समय दे दिया जाता है उतना ज़्यादा वो स्थिति रहती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसके लिए आज इस बैठक को हम लोगों ने आहूत किया हुआ है वो है आपकी नगर निगम और नगर पंचायतों की, हमारी 7 नवंबर को फाइनल हो जाएगी। ठीक, तो स्नातक लोगों को आप मैसेज करा दें, संदेश करा दें कि वो लोग इसमें मतदाता बन जाएं। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नामों का डिलीशन करा दें, जैसे रेलवे में है, रेलवे में हमारे बूथ पर 20% मतदान होता है, कार्मल में 20% मतदान होता है, इसका मतलब पहले चर्चा कर देना, फिर तो नगर निगम पर पूरा समय लेंगे ही लेंगे। हमारे जनपद में कुल 11 नगर पंचायतें हैं जहां पर चुनाव होगा, उन्होंने इनको उन गांवों की जो मतदाता सूची थी तो हमने उनको उपलब्ध करा दी है, वही हमारी एक तरह से बेस मतदाता सूची है। थोड़ा उसमें पंचायतों में इस बात की संभावना ज्यादा है कि आदमी गांव का भी वोटर बन जाए और नगर का भी। हमने यही कहा है कि उसी को वोटर बनाया जाए जिनका नाम उस नगर की विधानसभा निर्वाचन नाम लगना भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची में दिखाएंगे तो पता चलेगा कि आपका नाम तो किस गांव में है, अब आप करेंगे आपका नाम चौंका में ले लिया जाए, ये पता चल जाएगा कि कहीं इनको वास्तव में जांच कर ली जाए कि चौकमा समस्या घर है या पीपी नगरी का घर है ही या नहीं। ठीक है, तो ये संदेश जरूर चला जाए कि फर्जी नागरिक का होता है कोई भी प्रत्याशी है वो पहला प्रयास यही करता है कि फर्जी वोटर बन जाए और वो हमारे ही बन जाए। हमने ये मैसेज किया है कि उनका नाम ही जुड़ा है जो भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में हो। नमस्कार, मैं राजेश, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। अभी नगर निगम सभागार में
नगर निगम, नगर पंचायतें, स्नातक निर्वाचन और भारत निर्वाचन आयोग की जो विधानसभा निर्वाचक नामावली है, इसके संबंध में पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों से और अन्य जो गणमान्य लोग थे उनसे वार्ता हुई है। उनको समस्त सूचनाएं दे दी गई हैं कि जैसे नगर निगम और नगर पंचायतें हैं, इनका 20 अक्टूबर तक नाम बढ़ाने का, नाम विलोपित करने का, संशोधन करने का कार्य होना है। स्नातक निर्वाचन में 7 नवंबर तक होना है और भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची का कार्य 7 नवंबर से प्रारंभ होना है। इस प्रकार की मोटी मोटी जानकारियां इन लोगों को दे दी गई हैं और ये अनुरोध किया गया है कि निर्वाचक नामावली के संशोधन में, परिवर्धन में, विलोपन में गंभीरता से सभी लोग मदद करें। धन्यवाद। सर, वोटर बढ़ने के लिए बात है, वोटर बढ़ने के लिए हमने फॉर्म इन लोगों को बता दिए हैं कि कौन से फॉर्म से वोटर जुड़ेंगे, बढ़ेंगे, किससे विलोपित होंगे और जिन लोगों को फॉर्म की आवश्यकता उनको फॉर्म उपलब्ध करा दिए जा रहे हैं।